अर्चना जी, सर हमारे ये भैंसिया देख रहे हैं ना आप, किसी ने दूध चुरा लिया। और हमारे मोहल्ले में एक वो दुष्ट प्राणी है ना चंदू, हमें पूरा शक है ये काम उसी का है। ये तो इसलिए आज हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर जो है पंचायत बैठाएंगे, चौपाल लगाएंगे और चौपाल के चौधरी बनाएंगे आपको कपूर शर्मा, डोंट से नो। ओके ठीक है, और मुख्य सरपंच होंगे आप सर और आप। ठीक है, तो हमें इजाजत दीजिए कि हम यहाँ पर चौपाल लगाएं ताकि हम अपनी बीवी से भी ज्यादा प्यारी भैंसिया को न्याय दिला सके। लगाओ भाई चौपाल। हम बच्चा यादव आप सभी अतिथियों का हमारे इस चौपाल में स्वागत करते हैं और न्याय प्रणाली को शुरू करने के लिए आपकी आज्ञा चाहेंगे। जरूर। तो चंदू, हमारी भैंसिया का दूध पिया है तो बाहर आ, वरना दूध की तरह ही तुझे फाड़ देंगे, जिधर दिखेगा उधर ही गाड़ देंगे। ओ लकी लकी। हेलो ऑफिसर। हेलो, कैसी हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। हेलो मिथिला जी। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बच्चा मेरी बात। चल 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 चल, जो दूध फाड़ते ना वो गला नहीं फाड़ते। ओए, तूने दूध चुराया इसका? ये दूध भी देता है? तो चलिए, हमारे इस चौपाल की शान घटाने के लिए आ रही हैं मादा रूपी नारी सपना, प्लीज वेलकम। मादा रूपी नारी। हाय, कैसे है तुम्हें मिथिला? जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हाय अभी जी, कैसे? मैं ठीक हूँ। काफी जल्दी आ गए आप। हाँ जी, मैं इसलिए पूछ रही क्योंकि 1:40 की क्लास लोकल से आते हैं ना। अच्छा सर, मेरे को पूछने का था, आपके घर पे चिटकनी नहीं है क्या? चिटकनी? हाँ, क्योंकि दो दो बार हैप्पी भाग गई यार घर से। मैं सच्ची बोलती हूँ, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड रख लो आप, हैप्पी अच्छा। फिर तीसरी बार नहीं भागेगी। हाँ जी, भागे तो ये चूहों को भी नहीं देती, मुंह से पकड़ लेती है ये। हाँ, एक बार इसको मैंने मुंह से क्या पकड़ा, ये वही बात बोलता रहता है बार बार। चलिए चौधरी जी, आपको चौधरी बनाया है यार, चौपाल शुरू करो, कुछ करो। तो हमारे यहाँ जो आरोपी हैं चंदू जी, उन्होंने माननीय बच्चा यादव की माननीय भैंस का माननीय दूध चुराया है, इस आरोप को चंदू स्वीकार करते हो? स्वीकारता नहीं, मैं दुत्कारता हूँ। मुझे क्या पड़ी है किसी का दूध चुराने की? मेरे तो खुद घर में भगवान की दुआ से 1 लीटर दूध रोज आता है। अच्छा, पानी में चूना मिला के पीने वाले आदमी, तेरे घर दूध किधर से आता है रे? बकवास कर रहे ले। बोला ना उसने, भगवान के नाम पे मांग लेता है, भगवान के नाम पे खाना मांग लेता है और शनिवार के शनिवार तेल मांग लेता है, तो दूध भी मांग लेता होगा किसी से। महोदय, बात सिर्फ दूध की हो रही है, अगर इसके पास कोई चश्मदीद गवाह है तो पेश किया जाए। हाँ, चश्मा वाली गवाह मैं है। हाँ, मैं देखे लिए इसको। हाँ, तुमने देखा मुझे? हाँ देखा। तो मैं हैंडसम ही, इतना मुड़ मुड़ के लोग देखते हैं मुझे। मुड़ मुड़ के नहीं, हाथ जोड़ जोड़ के देखते हैं लोग कि हे भगवान, कहीं हमारे घर ऐसा बच्चा ना पैदा हो जाए। हाँ, सही है। बताओ क्या देखा तुमने, किधर? मैंने देखा ये ना, रात को 12 बजे तेरे तबेले में घुस रहा था। घुस रहा था? सारी बातें बाद में, सबसे पहले ये पूछा जाएगी, रात को 12 बजे कर क्या रही थी? हाँ बताती है, मैं अपने शो का रिपीट टेलीकास्ट देख रही थी। ओहो, सच्ची में? और फिर क्या हुआ, जैसे चंदू की एंट्री हुई ना, मेरे से देखा ही छीन गया, मेरे को ऐसा वॉमिट वॉमिट वाली फीलिंग आ रही थी, इसलिए मैं बाहर गई और मैंने इसको देख लिया। देखो, गवाह सपना की बातों से साबित होता है कि तुमने दूध चोरी किया है, तो अब तुम बताओ कि तुम्हें दूध की तरह उबाला जाए कि फाड़ा जाए। चंदू, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। करो बच्चा, शर्म करो, तुम्हारे घर में एक बिन ब्याही साली है, कबूल करवाना है तो उसका रिश्ता कबूल करवाओ। देखो सेलिब्रिटी लोग आए हैं, शानदार शादी होगी, अखबार में फोटो भी छपेगी। हाँ फोटो तो छपेगी, लेकिन सर पे सेहरा नहीं होगा, हाथ में हथकड़ी होगी, घोड़े की जगह गधा होगा और मुंह तेरा काला होगा। हाँ। देखिए, सपना की गवाही से साबित हो गया है कि चोर ये आदमी है, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कड़ी नहीं, साथ में चावल भी चाहिए मेरे को। सीधी सी बात है,
खाने पीने की चीजों पे कौन सजा देता है? खैर अबे सर, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसे मेरे पे ये आरोप लगा रहे हैं। अच्छा। इनकी भैंस का दूध निकालने से पहले मैंने भैंस से पूछ लिया था, मैं क्या दूध निकाल लू, कहती मैंने निकाल लिया। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने भी अपनी भैंसिया से पूछा था कि ये जो चंदू है इसके हाथ पैर हम तोड़ दें क्या? उसने कहा हाँ। देखिए, इस बात से ये पता चलता है कि भैंस का कैरेक्टर ठीक नहीं है। क्यों? वो दो दो आदमी को हाँ बोले लिए। ये सही बात नहीं है। खैर जो भी है, चंदू को सजा मिलनी चाहिए। हाँ चंदू, इस बात पे सफाई दो। कौन सी बात है? ओए अंकल से वंचित आदमी, ये वाली सफाई नहीं बोल रहा हूं मैं। कौन सी सफाई? अपनी बात पे सफाई दो। देखो, मैं गॉड की कसम खाकर कहता हूं, मैंने चोरी नहीं की और ये मेरा चश्मदीद गवाह है, इसको कोई नहीं नकार सकता। नकार नहीं चंदू, सिर्फ डकार सकता है, मैं जानती है। एक मिनट रुको, अपना बच्चा की भैंस का दूध किसने चुराया? देखो, ये बकरी ने चुराया, मैंने थोड़ी चुराया। बकरी क्यों चुराएगी हमको बताइए, उसके पास अपना खुद का दूध है ना। लेकिन बकरी के दूध की चाय नहीं ना बनती। अरे तो अबे सर, आपने कभी बकरी के दूध की चाय पी? नहीं। बच्चा, उस गवाह से तुम कुछ पूछना चाहते हो कि हम डिनर का बंदोबस्त करें? रुको रुको रुको, ए नहीं नहीं नहीं, तुमको डरने का ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब लोग शाकाहारी हैं, सिवाय अर्चना जी के। अरे मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ यार। अरे आप भी शाकाहारी हैं, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे सच सच बताओ, हमारी भैंसिया का दूध किसने चुराया? ये। हाँ देखो, ये है बोला, ये बोला, ये बोला, ये क्या बकरी है? हाँ अच्छी है ना, मजा आया ना? अच्छी नहीं, मैं बोल रही तेरी बकरी क्या बकरी है इतनी देर से? क्या कर रही? अरे जो भी बकरी है सही बकरी है, इसने चुराया हमारी भैंसिया का दूध, अब इसको सजा मिलेगी। कप्पू शर्मा, आप एक काम करो, जरा फोन करके ना हॉस्पिटल में एक बेड बुक करो, आज तुम्हारा ये चोर दोस्त पिटने वाला है। जमीन पे सोने वाले आदमी को बेड रास नहीं आएगा, इसके लिए गटर बुक करो। चोर आदमी अपनी माँ के पेट से चोर नहीं होता। तो क्या बाप के पेट से होता है? उसको चोर बना दिया इंडस्ट्री। हा? अबे सर, इंडस्ट्री, आपने भी फिल्मों में कितने करेक्टर किए हैं, आपने फिल्मों में चोर का करेक्टर भी किया होगा ना, जैसे ओए लकी लकी में किया था आपने। सर मैं भी चाहता था कि मेरे ऊपर भी कोई बायोपिक बने। अच्छा। हाँ जी, इस तेरे पे बायोपिक नहीं, तेरे पे बायो टॉयलेट बनेगी, वो भी हर्बल वाली। तो क्या प्रॉब्लम है, चार पैसे आएंगे? वैसे भी अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और धर्म जी से बड़ा कोई स्टार नहीं होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये जो तूने अभय जी के सामने अभी चापलूसी की है ना, पक्का सनी देओल जी तेरे को बावर्ची रखेंगे घर पे देखने। बिल्कुल नहीं यार, मेरे पास तो डेट्स ही नहीं है। हाँ, इसके पास मंथ्स है, मंथ्स, पूरे पूरे साल के लिए बुक होता है ये। मैं बहुत बिजी हूँ, इधर मेरी बुआ की बेटी की शादी है, उसके सारी कैटरिंग का काम मेरे पास है। सीधा सीधा बोलना, बर्तन मांजने का काम मिला तुझे? तो इसमें कौन सी बुरी बात है, हर बंदा बर्तन मांजता है कपूर शर्मा, कोई शादी से पहले और कोई शादी के बाद। मैं सुना नहीं। देखिए, जो कुछ प्रूव होना था प्रूव हो चुका है, अब सजा क्या मिलनी चाहिए ये आप बताइए। मिथिला जी, इसका मुंह बदल दो। मुझे लगता है हम इन्हें काले पानी की सजा दे देते। काला पानी तो रोज पीता ही है, इसको तो फिल्टर वाले पानी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि इतना साफ पानी पी के इसको ऐसे हो जाए कुछ कि मैंने क्या पी लिया, साफ पानी पी के मर जाएगा। आई नो, हम कहते हैं इसको मुर्गा बनाते हैं यार, मुर्गा बनाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि मटन तो है ही, अभी चिकन भी हो जाएगा तो अपन लोग पार्टी करेंगे। मैंने मुर्गा नहीं बनना, मैं बता रहा हूँ, मैंने मुर्गा नहीं बनना। वो चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। ए जाड़िए, मैं क्या बोलती, इसको थप्पड़ मार के बात खत्म कर, ये खाली पीली छोटी बात के लिए इतना बड़ा चौपाल काय को लगाए तूने? तो चौपाल नहीं लगा तो क्या भोपाल लगाए हम यहाँ पे, बेकार का बात कर रहे हैं यार। वैसे देखिए, जो होना था हुआ, अब आप अपना निर्णय सुनाइए, क्या करना चाहिए बताइए अभय जी। आई थिंक जितना दूध चोरी किया है उतना ही दूध वापस लेकर आकर भैंस को पिलाइए आप। राइट, आपका ये जो निर्णय है सर आंखों पर, इसका हम आदर करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि अब जो फैसला है
वो हमारा ये डंडा करेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।